दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं लजानिया डिश, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे कहीं यहाँ पे मार्केट में लॉकडाउन में, तो आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके इंग्रेडिएंट बहुत ऐसे हैं जो आपको मेन मार्केट में मिलेंगे, क्योंकि अभी बाज़ार बंद है, तो आप बना सकते हैं। और इसका आप घर पे बनाओ, खिलाओ सबको, लोग आपको, ये टाइम है कि आप शेफ़ बन के दिखा सकते हैं अपने घर में कि हम भी शेफ़ हैं। तो हम लॉकडाउन सीरीज लेके इसलिए आए हैं, तो ये रेसिपी आपको दिखाते हैं कैसे बनती है, और आप घर पे बनाना और बताना कैसी लगी। तो दोस्तों हम वाइट सॉस बना रहे हैं इसमें। सबसे पहले इसमें दो तरह के सॉस बनेंगे, एक टमाटो एक वाइट सॉस। सबसे पहले वाइट सॉस बना रहे हैं। इसमें हमने बटर डाल दिया है, लगभग ये 2 टीस्पून होगा, 2 टीस्पून आप बटर डाल दें। और इसके बाद अब एक क्या डालेगा इसमें, अब हम इसमें डालेंगे क्या है, लहसुन लहसुन का पीस, और ये है कैप्सिकम, इनको हमने छोटे छोटे इसमें काट लिए हैं कैप्सिकम को, ग्रीन कैप्सिकम है ये। और ये है कॉर्न, और ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे कॉर्न, कहीं पर जाते हैं आजकल किराना शॉप पे या जनरल स्टोर पे। इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, हमने हल्का सा काली मिर्च पाउडर इसमें डाल दिया है। या हमने मिक्स में कॉर्नफ्लावर मिलाया है, और उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंस की करनी है, तो ये हम इसमें डालेंगे। हमने भी ऐड करेंगे हम इसमें ये जो हमने कॉर्नफ्लावर मिक्स करके जो बनाया था कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, तो वो हमने इसमें डाल दिया है, इससे थोड़ी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी इसकी। ये देखिए वाइट सॉस, इसको हम 5 से 6 मिनट पकाएंगे, तो इसकी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ये थोड़ा, फिर आपको दिखाते हैं कैसे होनी चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी वाइट सॉस की। इसमें थोड़े से हम चिली फ्लेक्स भी डालेंगे, देखिए ये गाढ़ा हो गया है, कंसिस्टेंसी देख लीजिए इसकी। थोड़े से 2 मिनट और इसको कुक करेंगे हम, तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रहा है एक बार कैसी है देखिए। और ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा और सेट हो जाएगा, तो ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए वाइट सॉस की, देखिए देखिए क्या कंसिस्टेंसी है। तो इसको ठंडा होने के लिए रखा है, और अब हम बनाएंगे रेड चिली टमाटो सॉस, उसकी भी कंसिस्टेंसी इतनी ही यही रहेगी, तो उसका प्रोसेस आपको बताते हैं। इसमें ऑरिगेनो भी डालेंगे हम, ऑरिगेनो डाल दिया है इसमें। ये हम रेड चिली सॉस बना रहे हैं, तो इसके लिए हमने टमाटर और रेड चिली डाली है, उसको ग्राइंड कर लेंगे हम। ये हमने रेड चिली सॉस के लिए बटर डाल दिया है, लगभग 2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें हम लहसुन पेस्ट का पेस्ट डाल देंगे, अब इसमें ऑनियन डलेगा, ये प्याज डल गया इसके अंदर, हल्का सा नमक, इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे हम, ऑरिगेनो डाल दिया इसके अंदर, और काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया हमने इसके अंदर, रेड चिली भी डाल दिए हमने कूट के। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटो और सूखी लाल मिर्च का पेस्ट ग्राइंड करके जो बनाया था वो डालेंगे इसके अंदर, देखिए इसको हम 15 से 20 मिनट पकाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेंगे। ये हमने लजानिया शीट बनाई है मैदा से डो लगा के, पतली पतली, एक बार ये देखिए कितनी पतली है ये, तो ये एक बार शीट आप बना लें डो लगा के, और इनको फिर उस पर थोड़ी देर के लिए पेपर पे रख दें सूखने के लिए, तो ये ऐसी हो जाएंगी आपके, और इनको फिर चौकोर काट लें।
अब हम उस शीट को बॉईल करेंगे। तो हमने पानी में नमक डाल दिया है और उस शीट को जो हमने अभी दिखाई थी लजानिया शीट, उसको बॉईल करेंगे। इसमें हम दो तीन स्पून ऑयल भी डाल देंगे। इधर ये हमारा सॉस बन रहा है तो ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। ये हमने बॉईल होने के लिए शीट इसमें डाल दी, लजानिया शीट, तो ये बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। देखिए ये, देखिए ये बॉईल के लिए हमने डाल दिए, बॉईल हो जाए एक बार फिर आपको बताते हैं। ये हमारी शीट्स जो हमने लजानिया शीट जो उबाली थी वो हो गई है हमारी। ये देखिए आप, थोड़ी सी क्रैक हो गई है लेकिन कोई नहीं। ये देखिए बॉईल हो गई है। अब हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। हम अब वेजिटेबल सौते करेंगे। तो ये हमने बटर डाल दिया है, तो ये हमारी सब्जियां हैं जो हम सौते करेंगे। कैप्सिकम, कॉर्न, ये बीन्स, बीन्स फली और ये पनीर। तो सौते का प्रोसेस ऑन है, थोड़ा बटर मेल्ट हो जाए। ये हमने गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, गार्लिक सब में जा रहा है। ये ऑनियन हमने सॉस में भी गार्लिक और ऑनियन डाला था, इसमें भी। ये हमने कैप्सिकम डाल दी है, ये कॉर्न, ये बीन्स फली, ये हमने नमक डाल दिया है, ये ऑरिगेनो हमने डाल दिया है, ये हमने काली मिर्च पाउडर, ये चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे से सौते कर लेंगे हम। ये हमारा सौते हो गए हैं वेजिटेबल्स, देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। 220 पे कितने देर रखना तुम्हें? ये हमने ओवन को प्री हीट कर दिया है 220 पे। ये प्री हीट हो रहा है और उसके बाद फिर हम इसमें उसको बेक करेंगे। ये पनीर हमारा रह गया था तो पनीर भी डाल देंगे, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वैसे वेजिटेबल्स से भी आप बनाते हैं तो भी अच्छा बनेगा, पनीर अगर डालेंगे तो थोड़ा और अच्छा टेस्ट आएगा आपको। तो अगर आप पनीर डाल सकते हैं तो ला के डाल दीजिए। ये बेक करने के लिए हम इस पर ऑयलिंग कर लेंगे ट्रे पे, क्योंकि हम उसे बेक करेंगे अब एक बार उसको सेट करके लगानी है शीट पे जो हमने बनाई थी और बॉईल करी थी। तो ये इस पर ऑयल कर लिया हमने, तो ये हमने फर्स्ट लेयर लगा दिए ऑयल ऑयलिंग करके, और इस पर हम लेयर लगाएंगे अब। तो ये हमने जो चिली सॉस बनाया था रेड चिली सॉस, उसमें हमने टोमेटो केचप भी डाल दिया था थोड़ा बाद में। तो ये हम इसके लेयर कर लेंगे। अब इस पे हम वाइट सॉस के लेयर लगाएंगे। ये लेयरिंग कर ली हमने। अब एक लेयर हम वेजिटेबल्स की लगा देंगे जो हमने सौते की थी, एक लेयर उसकी लगा दी है हमने। वापस इस पर एक शीट लगेगी, फिर वापस रेड चिल्ली लगेगा और वाइट सॉस लगेगा और सब्जियां लगेगी। ये हमने तीन लेयर लगा ली है सेम वही रेड चिल्ली लगा के, और ये सबसे ऊपर वाली लेयर पे एक और लगा दी। टोटल चार लेयर, चार शीट लगा दी हमने। सबसे ऊपर वाली शीट पे हम बटर लगाएंगे और चीज़ लगाएंगे। बटर कम से कम तीन स्पून आपको भर भर के लेनी पड़ेगा।
आप अच्छे से फैला लें बटर को। ये हम मोजरेला चीज़ यूज़ कर रहे हैं, गो चीज़ की, इसकी चीज़ बहुत अच्छी है तो आप यही यूज़ करें। जिस पे हम इतने चीज़ डाल दी है मोजरेला चीज़, बटर हमने स्प्रेड कर दिया अच्छे से और मोजरेला चीज़ डाल दी। ये हमने चीज़ भी डाल दी, ओ इस पे पनीर भी डाल दिया ग्रेट करके, और चीज़ और बटर। अब इसको करेंगे बेक, हल्का सा ऊपर से ऑरिगेनो डाल दें और चिली फ्लेक्स हो तो आप वो भी डाल दें। ये देखिए हमने ओवन में इसको रख दिया है प्रीहीट करके, और अब इसको हम लगभग 40 मिनट के लिए कुक करेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे एक बार। ये हमारा रेडी हो गया है लजानिया बेक होके, लगभग इसको 28 मिनट लगे हैं तो आप बीच बीच में देखते रहें। ये देखिए कितना गजब दिख रहा है, देखिए ये हमने पुदीने के पत्ते से इसको गार्निश किया है। इसको हम कट कर लेंगे सर्व करने से पहले और फिर सर्व कर देंगे इसको। ये तैयार है खाने के लिए, इसको खाते हैं और आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट। देखिए क्या दिख रहा है, बहुत ही शानदार लाजवाब। ये हमारा लजानिया आ गया है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है टेस्ट। ये थोड़ा सा खाने में से हो रहा है, ये वेजिटेबल्स को लिया, ये देखिए बहुत लाजवाब टेस्ट है, सब्जी का टेस्ट है। बच्चे वैसे घरों में सब्जी नहीं खाते हैं, खाना खानी करते हैं सब्जी खाने में, तो आप लजानिया बना सकते हैं, इसमें चीज़ भी है तो खाने में मज़ा है। एक अलग यूनिक डिश है जो आप बना के ट्राई कर सकते हैं, आप भी खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। एक बार क्लोजर दिखा देना इसका, देखिए लेयर देखिए, हर एक लेयर में हमने वेजिटेबल्स डाली है, सॉस लगाया है, तो बहुत ही लाजवाब है। एक बार दोबारा लेते हैं सारी सब्जियां, बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। तो हम ये फिनिश करते हैं और आपको नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम नई नई रेसिपीज़ बना रहे हैं, थोड़े वीडियो लंबे हो जाते हैं क्योंकि हम पूरी रेसिपी आपको दिखाते हैं जिससे आप घर पे ही बना सकें उसे, तो आप उसको ज़रूर देखें, आधे में ना छोड़ें किसी भी वीडियो को, पूरा देखें, रेसिपी को यूज़ करें, बनाएँ और सबको खिलाएँ अपने घर में। हम ऐसे डिश अलग अलग रेसिपी लाते रहेंगे और बनाते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आप चैनल पे देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, एक बार सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेशन मिलता है उससे। और इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लें, और कोई भी फीडबैक कोई भी मैसेज आप करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के फ्लेवर्स फूडी पेज पर मैसेज कर दें, कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैसेज कर दें। नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ को मिलते हैं, गुड बाय।